हाँ भाई रोहित शर्मा, क्या हाल चाल है? अरे गुजरात ने पेल दिए, ज्यादा तकलीफ तो ना हुई होगी? अरे हमने तो भाई तुम्हें बस सपनों से बाहर निकाला है। तुम कई दिन से फिर से चैंपियन बनने का सपना देख रहे थे। माना कि तुमने मुंबई को 5 बार चैंपियन बनाया है, लेकिन शुक्र मनाओ उस समय पांड्या की टीम नहीं थी। पिछले साल ही पांड्या की टीम आई थी, तब तुम 10वें नंबर पर थे, अब की बार 7वें नंबर पर हो। अरे भाई जहां बाकी टीमों के मुकाबले बिल्कुल एक एक रन के लिए फंसते हैं, वहां तुम बिल्कुल एक तरफा घुटने टेक गए। अरे भाई पूरे 55 रन से हार गए। तुम लोगों ने टॉस तो जरूर जीता, लेकिन उसके बाद तो मुंबई वाले कहीं मैच में दिखे ही नहीं। शुरू से लेके आखिरी तक पांड्या की पलटन छाई रही। अरे यार तुम लप्पे मार प्लेयर हो, कप्तानी तुम्हारे बस की नहीं, इसलिए वनडे की कप्तानी भी मैंने ही संभालनी पड़ेगी। अरे पांड्या ये बात तो मुझे भी जच गई, तुमसे और बनो या ना बनो तू मेरी कप्तानी जरूर छीन लेगा। अरे पांड्या भाई कोई ऐसा भी करता है, कुछ तो लिहाज शर्म कर लेते। अरे पहले तुमने 207 रन ठोक दिए, फिर हमें 152 पर निपटा दिया। अरे तुम लोगों ने मुंबई इंडियन को पूरे 55 रन से हरा दिया। अरे वैसे देखा जाए तो भाई ये तुम्हारा ही दिन था, तुम्हारे सभी प्लेयर चले, बल्लेबाज हो या गेंदबाज, सभी ने बुलंद रखी अपनी आवाज, इसीलिए मुंबई इंडियन वाले नहीं बचा पाए अपनी लाज। अरे हम तो सस्ते में निपट गए थे, उसके बाद हमारी टीम का हाल देखो, पावर प्ले में 29 रन बने, इसलिए हम पूरे मैच में शुरू से लेके आखिरी तक पिछड़े रहे, लेकिन तुम्हारी टीम देखो। अरे तुम्हें पहले इतनी अच्छी शुरुआत मिली, फिर मिडल ऑर्डर में आकर तो उस मिलर और मनोहर ने सभी गेंदबाजों के टांके तोड़ दिए। पता नहीं क्या खा के आए थे, वो मिलर 22 गेंद में ही 46 रन ठोक गया, चौके सिर्फ 2 छक्के 4। एक ही अभिनव मनोहर 21 गेंद में 42 रन बना गया, 3 चौके 3 छक्के भी लगा गया और मैन ऑफ द मैच भी पा गया। फिर बिल्कुल आखिरी में आके तुम्हारा वो रावल तेवतिया, उसने भी कोई कसर ना छोड़ी, हमारी डुबोने में लुटिया, 5 गेंद में ही 20 रन बना गया, 3 तो छक्के लगा गया। वैसे भाई जब तक क्रीज पर सूर्या था हमें जीतने की आस थी, लेकिन उसके आउट होते ही हमारी सारी आस उम्मीद टूट गई और ये गुजरात टाइटन मुंबई इंडियन की घर बुला के इज्जत लूट गई। अरे एक वो तुम्हारा नूर अहमद, मैंने तो उसका नाम ही पहली बार सुना था, 4 ओवर में ही 37 रन दे के 3 विकेट ले गया, मुंबई इंडियन को तगड़े वाले झटके दे गया। वैसे अगर ये तुम्हारे अभिनव मनोहर और डेविड मिलर मिडल ऑर्डर में आकर इतना नहीं दिखाते थ्रिलर, हमारी हालत इतनी पतली नहीं होती। इन लोगों ने तो बिल्कुल खोल के रख दी हमारी इज्जत की धोती। अरे वाह भाई वाह रोहित शर्मा, हम क्या टीम में बस गिनती पूरी करने के लिए हैं? अरे हमारी कभी कभी बारी आती है, उसी दिन हम सस्ते में निपट जाए तो कैसे काम चलेगा? गुजरात टाइटन को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाना है, उसके लिए ऐसा दमखम तो दिखाना ही पड़ेगा। अरे फिर ठहरे तुम लप्पे मार बल्लेबाज, तुम्हारा हमारा कहाँ मुकाबला? तुम 8 गेंद खेल गए, सिर्फ 2 रन बनाए, एक हमारा राहुल तेवतिया 5 में ही 20 ठोक गया, मैच के बिल्कुल आखिरी पलों में आया था लेकिन अपनी सारी ताकत झोंक गया। देख के तुम्हारी मुंबई इंडियन की इतनी बड़ी हार, हर कोई चौंक गया। अरे नाम हमारा अभिनव मनोहर, जैसे ही मौका मिलता है पूरा एडी चोटी का लगा देते हैं जोर, इसीलिए तो इस आईपीएल में गुजरात टाइटन का है पूरा शोर। मैंने और डेविड मिलर ने मिलके ऐसे लगा दिए चौके छक्के, पूरी मुंबई इंडियन का बना दिया मोर। बाकी रही सही कसर हमारे गेंदबाजों ने पूरी कर दी, हमारे राशिद खान और नूर अहमद ने मिलके तुम्हारी पूरी टीम की कमर तोड़ के रख दी। तुम्हारे इस पीयूष चावला का तो ठीक ठाक प्रदर्शन था, बाकी तो हमने किसी की दाल नहीं गलने दी। अरे सही बताए तो मनोहर भाई, तुम लोगों ने मिलके बिल्कुल सही कलेश काट दिया। ये रोहित शर्मा पांड्या से मिली इतनी बुरी हार को कभी नहीं भुला सकेगा। अपने आप को बड़ा 30 मार्खा समझता है, लेकिन कर दे धरने को कुछ नहीं। कहाँ हम ऑलराउंडर कप्तान, कहाँ ये लप्पे मार कप्तान, हमारे सामने कहाँ टिकेगा? इसका एक आध मैच में तुक्का लग जाए तो 25-30 रन बना देता है, वरना 2.5 का आंकड़ा भी नहीं छू सकता। अरे वाह भाई वाह नूर, तुमने सही तोड़ दिया इन मुंबई इंडियन वालों का गरूर। हमारी ऐसी गेंदबाजी पर तुम्हारी तारीफ करनी तो बनती है जरूर। अरे कप्तान साहब आप चिंता क्यों करते हो, अरे हम तो टीम को जितवाने के लिए कुछ भी कर गुजरे। वैसे जब हमने अपने ही गेंद पर सूर्या भाई का डाइव लगाकर कैच लिया, तब हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अरे विकेट तो हमने 3 ली थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वो ही थी, वो बड़ा सनकी बल्लेबाज है, अगर खड़ा रहता तो मैच का पासा पलटने में देर नहीं लगाता। जब तक वो क्रीज पर रहता हमें भी हार का डर सताता, लेकिन उसके निपटते ही मैच हमारे बिल्कुल कब्जे में आ गया था, रोहित भैया मुंह की खा गया था। पांड्या भैया तुम चिंता मत करो, अब तो हम गुजरात को चैंपियन बनाकर ही दम लेंगे।